गार्डन यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही खूबसूरत समर के प्लांट के बारे में, जिसका नाम है बालसम। इसे गुल मेहंदी के नाम से भी जानते हैं फ्रेंड्स। देखिए, अलग अलग कलर्स में खिले हुए बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं। इसका जो बॉटनिकल नेम है वो है इम्पेशियंस बालसमीना। इसके पीछे भी एक बहुत ही अच्छी सी स्टोरी है फ्रेंड्स, कि इसको इम्पेशियंस बालसमीना किससे कहते हैं। इम्पेशियंस इसका शायद नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि जब इसके पॉड्स होते हैं वो पूरी तरह से पक जाते हैं तो एक छोटे से टच से भी जो है डिस्पर्स हो जाते हैं, बहुत दूर तक जाके गिरते हैं। इसीलिए इसका नाम टच मी नॉट भी बोला गया है। और इम्पेशियंस इसलिए क्योंकि इसमें ज़रा से टच से विदाउट एनी पेशेंस वो जो है डिस्पर्स होते हैं, इसकी जो पॉड है वो रप्चर होती है, इसीलिए इसको इम्पेशियंस बालसमीना बोला गया है। तो फ्रेंड्स, ये जो गुल मेहंदी का प्लांट है, बांग्ला में इसे दुबाती भी बोलते हैं। ये देखिए, मैंने इसे यह अपने इस पे लगाया हुआ है, सॉइल में लगाया हुआ है। अलग अलग कलर्स में ये मिलते हैं फ्रेंड्स, रेड कलर में। ये देखिए, खिले हुए छोटे छोटे रोज लाइक कितने सुंदर लगते हैं, पर्पल कलर में, वाइट कलर में भी मिलते हैं फ्रेंड्स, पिंक, कहीं कहीं येलो कलर में भी ये मिलते हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए आज हम इसी प्लांट के बारे में बात करते हैं। तो गुल मेहंदी का जो प्लांट है फ्रेंड, इट इज़ वेरी इजी टू ग्रो प्लांट विदाउट एनी केयर। एक बार इसे आप लगा दीजिए, उसके बाद ये एनुअल प्लांट है। आप जहाँ पे इसके सीड्स गिरते हैं वहीं पे ये अपने आप ही ग्रो होना शुरू हो जाता है। सो इसका प्रोपोगेशन आप या तो सीड से कर सकते हैं, विच इज़ वेरी इजी मेथड, या फिर आप इसको कटिंग से भी लगा सकते हैं। इसको लगाने के जो सीज़न है, कब हम इसे लगाएं, या तो हम इसे मार्च एंड में लगा दें फ्रेंड्स, या फिर इसको हम जून के एंड में भी लगा सकते हैं। तो ये सितंबर तक हमें फ्लावर्स देते हैं। सॉफ्ट स्टेम का ये प्लांट होता है, वेल ड्रेन्ड सॉइल इसे चाहिए। इसे आप एक पॉट में भी लगा सकते हैं। लगाने के लिए जो हमारा सॉइल का मिक्सचर होता है वो एक पार्ट गार्डन सॉइल, कोकोपीट और सेंड, इसको आप मिक्स करके इसे लगाइए। 15 से 20 दिन में इसमें जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाता है और 2 महीने में अच्छा भला इसमें फ्लावर्स आने शुरू हो जाते हैं। ये देखें, एक सिरे से लगे हुए कितने सुंदर लग रहे हैं। इसका फ्रेंड्स, जो एक इम्पॉर्टेंट टिप मैं इसमें देना चाहूँगी, कि इसमें जो हम वाटरिंग करते हैं, वाटरिंग हमेशा इसके रूट्स पे कीजिए, नीचे आप इसको करिए। अगर आप इसमें ऊपर हम पानी देते हैं तो उसकी वजह से इसमें फंगस का अटैक होने के चांसेस रहते हैं। तो बेटर है कि आप इसको रूट्स में दें, और अगर पाउडरी मिल्ड्यू या किसी फंगस का इस पर अटैक होता भी है तो उस केस में आप इसमें थोड़ा सा सोप ऑयल को वाटर में मिला के आप इसको जो है कर सकते हैं, या फिर अलग अलग तरीके किसी फंगिसाइड नीम ऑयल का स्प्रे करने से भी हम इसको फंगस प्रूफ बना सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट बालसम प्लांट, या कुल मेहंदी जिसे बोलते हैं। एक बार आप इसे लगाइए सितंबर तक, इसमें जैसे आजकल सितंबर ही चल रहा है, सितंबर एंड तक, या बल्कि लगता है अक्टूबर तक भी इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती रहेगी। एक बार लगने पे बहुत ही अच्छे इसके फ्लावर्स बनते हैं, देखने में भी बहुत खूबसूरत लगते हैं, एंड वेरी लीस्ट इसको केयर की ज़रूरत होती है। आप इसको पार्शियल शेड से फुल सन में रखिए और देखिए फिर कैसे आपका गार्डन खूबसूरत बना रहता है। सो इसी के साथ ही मैं अपना वीडियो कंक्लूड करती हूँ। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय बाय।